आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक राजा बलि की कथा लेकर आई हूँ और ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। राजा बलि के सेम विष्णु भगवान बामन रूप धरकर आए थे और उन्होंने तीन पग भूमि मांगकर धरती, आकाश और पाताल तीनों को ही दो पग में नाप लिया और तीसरा पग राजा बलि के ऊपर रखे। फिर राजा बलि से कुछ मांगने को कहा। जब राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि आप मेरे यहाँ पाताल में वर्ष में चार मास तक पहरेदार बन कर रहोगे, ऐसा वरदान दीजिए। तब से ही भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को स्वर्ग में ही छोड़कर वर्ष में चार मास तक पहरेदार के रूप में रहने लगे। रक्षा बंधन के दिन श्री लक्ष्मी जी रम झम करती हुई राखी लेकर पधारी। राजा बलि को भाई बनाकर राखी बांधी और भतीजों के राखी बांधी और भाभी के राखी बांधी। तब रानी हीरे मोती के थाल भेंट स्वयं लेकर आई। श्री लक्ष्मी जी बोली, भाभी हीरे मोती तो मेरे घर पर ही बहुत हैं, मैं तो बंधे हुए मेरे पति विष्णु भगवान को छुड़ाने आई हूँ। इसी प्रकार लक्ष्मी जी श्री विष्णु जी भगवान को अपने साथ ले जाती है। बोलो बलि राजा की जय।